नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भले ही CSK की टीम राजस्थान के हाथों हार गई हो, मगर दोस्तों CSK की टीम अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। ये बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने बात करते हुए न्यूज एजेंसी से। सो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा और CSK की टीम प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है अब भी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली कैपिटल के टीम 9 मुकाबले खेलने के बाद जिसमें से 7 मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वहीं 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे यानी कि सीरीज पे डटी हुई है। तो वहीं दूसरे नंबर पे मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ने भी 9 मुकाबले खेले हैं, मगर दोस्तों इन्होंने केवल 6 मुकाबले जीते हैं और 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और ये 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर हैं। तो वहीं दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर है विराट कोहली की टीम RCB, जिन्होंने भी 9 मैच खेले हैं जिसमें से 6 मैच जीते हैं और 3 में हार का सामना करना पड़ा है और 12 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 3 पर हैं। और दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे KKR की टीम है, इन्होंने भी 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 5 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और ये 10 पॉइंट के साथ नंबर 4 पर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 4 उन टीमों के बारे में जो लगभग प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं, मगर दोस्तों वो भी प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं। और दोस्तों बात करें 5 नंबर पे जो टीम है राजस्थान की, राजस्थान ने 10 मुकाबले खेले हैं और 4 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों नंबर 6 पे काबिज है हैदराबाद की टीम, हैदराबाद ने 9 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं और 6 में हार का सामना करना पड़ा है, 6 पॉइंट के साथ नंबर 6 पे है। तो वहीं नंबर 7 की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब है नंबर 7 पर, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं 6 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है और ये भी पॉइंट 6 के साथ नंबर 7 पर हैं। और दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग की टीम की, तो गाइस चेन्नई सुपर किंग की टीम सबसे बॉटम में है। चेन्नई सुपर किंग की टीम ने अब तक टोटल सबसे ज़्यादा 10 मुकाबले खेले हैं जिनमें केवल 3 मुकाबले जीत पाई है, तो वहीं दोस्तों 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और ये भी पॉइंट 6 के साथ नंबर 8 पर है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि 8 मुकाबले जीतने होते हैं 14 में से प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, मगर दोस्तों 7 मुकाबले जीतने वाली भी टीम प्लेऑफ में पहुंच जाती है अगर नेट रन रेट सही हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 10 में से 3 मुकाबले चेन्नई की टीम ने जीत लिए हैं और वहीं बाकी के बचे 4 मुकाबले भी चेन्नई सुपर किंग की टीम को जीतने होंगे, टोटल 7 मुकाबले जीतने होंगे। और दोस्तों नेट रन रेट भी सही करनी होगी चेन्नई सुपर किंग को अगर प्लेऑफ में पहुंचना है। तो गाइस ये फॉर्मूला है धोनी का प्लेऑफ में पहुंचाने का। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि चेन्नई की टीम प्लेऑफ में पहुंचे तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना और आप महेंद्र सिंह धोनी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।